हेलो दोस्तों, आज हम शोनी के लैपटॉप को खोलेंगे। सबसे पहले लैपटॉप को हमने प्रॉपर्ली स्विच ऑफ कर लेना है। फिर इसके बेस पे 8 स्क्रूज दिए हुए हैं, इनको हम खोल लेंगे। फ़िलहाल मैंने इनके 8 स्क्रूज खोल के रखे हुए हैं। इनमें आपको हम दिखा देते हैं कि जो बेस के स्क्रूज होते हैं, जो हिंज वाले स्क्रूज होते हैं, उनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है, ये आप देखिए, और जो बाकी के स्क्रूज हैं इनकी साइज़ छोटी होती है। अभी इस मॉडल में जो बेस का कवर है ये खुलेगा, मदरबोर्ड जो है वो टच पैड के साथ फिक्स है। सो हम ओपनर को बेस और टच पैड के बीच में जो गैप होता है बैक वाली साइड से, वहाँ ओपनर डाल के बेस के प्लास्टिक के लॉक्स को अनलॉक कर लेंगे और धीरे से बेस को हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये प्लास्टिक के लॉक से लगा होता है, ये देखिए ये बेस निकल गया। अभी आप देख सकते हैं ये इसकी बैटरी है, ये 2 स्पीकर्स लगे हुए, ये M.2 SSD है और ऑनबोर्ड रैम लगी हुई है, प्रोसेसर है, हीट सिंक लगा हुआ है, CPU फ़ैन है, ये वाईफाई कार्ड लगा हुआ है और इसमें ये CMOS सेल लगा हुआ है। अभी हमने इसकी जो बैटरी को निकालना है, सो सबसे पहले बैटरी की केबल को स्लाइड करके डिस्कनेक्ट कर लेंगे। इसे बैटरी की तरफ स्लाइड करना है हमने। फिर इसके बैटरी पे 3 स्क्रूज दिए हुए, हम तीनों स्क्रूज को खोल लेंगे। यहाँ पे आपने हमेशा मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ करना है। इस मॉडल में हम आपको सिर्फ एक बैटरी को निकाल के कैसे इंस्टॉल करते वो बताएंगे। अभी हमने बैटरी को पकड़ के, ये देखिए एक स्पीकर की केबल भी लगी होती है बैटरी के साथ, जो हुक्स बने होते हैं वहाँ पे, बैटरी को हमने धीरे से उठा लेना है। ये बैटरी निकल गई है। अगर आपने इसकी बैटरी कभी परचेज़ करनी हो तो आप इसके, ये देखिए इसमें पार्ट नंबर दिए होते हैं, ये आप पार्ट नंबर वहाँ पे ऑनलाइन डाल के इसकी बैटरी ले सकते हैं या तो सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। अभी हमने इसको पैक करना है, ठीक बैक साइड से अंदर डाल के, फिर जो स्पीकर की केबल है इसको भी हहमने निकाल लेना है, फिर ऊपर रख के 3 स्क्रूज बैटरी के जो होते हैं वो टाइट कर लेंगे। अभी जो स्पीकर की केबल है इसको हमने वैसे ही हुक्स में फिक्स कर देंगे। अभी जो बैटरी की केबल है इसको हम स्लाइड करके कनेक्ट कर लेंगे। अभी जो बेस कवर है इसको हम फिक्स कर देंगे। इसे नीचे टच पैड वाली साइड से रख के प्रेस कर देना है सभी साइड से, ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। अभी हम बेस के सभी स्क्रूज को टाइट कर लेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो।